बैक इन यूट्यूब चैनल निकू चौधरी, मैं हूँ नताशा। बात करने जा रहे हैं हम यहाँ पे कीर्ति के साथ में। आज के टाइम आज कुछ ऐसा हुआ है जिसके ऊपर बात करना अभी ज़रूरी बन गया है। इनकी जो शादी थी उसको टूटने के बाद में ऐसा लग रहा था कि सब कुछ शांत हो जाएगा। मीन्स देखिए, किसी का रिश्ता हुआ, ठीक है, किसी ने किसी से प्यार किया, दोनों आपस में रजाबंदी हुई, रिश्ता तय हुआ, घर वालों की मर्जी से हुआ, सब कुछ हुआ, शादी की तैयारी हो रही थी, ये चीज़ें डिक्लेयर कर दी गई और शादी की तैयारियां लग रही थी। अचानक से क्या होता है कि सोशल मीडिया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिससे लोगों को शक हो जाता है कि आखिरकार कुछ तो गड़बड़ है। जब लोगों को शक होता है तो अलग अलग बातें बननी शुरू होती है। उन बातों को पर विराम लगाते हुए कीर्ति सामने आती है और सब कुछ एक्सप्लेन कर देती है। कीर्ति ये भी बता देती है कि हाँ, अब ये रिश्ता नहीं रहा है, ये चीज़ें, ये फीलिंग सब समझते हैं। पहले तो ऐसा लग रहा था, मुझे सच बताऊँ, मुझे स्टार्टिंग में जब ये चीज़ें हुई ना, मुझे ऐसा लगा कि शायद ये कोई प्रैंक है पब्लिक के साथ में, या फिर ये इस तरीके से ही हो रहा है, ये मजाक किया जा रहा है। मुझे सच में ऐसा लग रहा था कि ये सब चीज़ें मजाक है, जब तक कीर्ति सामने नहीं आई थी। तो वो सामने आई, वो चीज़ें पता चली कि हाँ, रियली में ये चीज़ें हुई है। क्योंकि सिर्फ कॉमेंट सेक्शन पर आप लोग यकीन नहीं कर सकते, सिर्फ कमेंट देख के किसी चीज़ को जज नहीं कर सकते, ये चीज़ें हुई है। तो ठीक है, अब उन्होंने आई सामने, उन्होंने एक समझदारी भरा फैसला लेते हुए ये कहा, क्योंकि वो जो लोग सामने हैं वो सोशल मीडिया पर नहीं हैं, वो अपनी सफाई पेश नहीं कर सकते, तो इसलिए आप किसी को हेट मत देना और मैं पूरी बातें नहीं बता सकती। चीज़ें सब कुछ हो गई। अब वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से वो चीज़ सॉर्ट की गई है, जिस तरीके से वो चीज़ें बताई गई है, ये चीज़ें यहीं पर शांत हो जाएगी। भम्मू भी सामने आई, भम्मू ने भी अपना दर्द बयां किया। फैमिली जो है वो चीयर अप करने में लगी हुई है कीर्ति को। फैमिली कुछ नहीं कर रही है इसके अलावा, ना तो उन्होंने कभी किसी की बुराई की है सामने वालों की जिनके ये सब चीज़ें हुई है, ना ही वो इसके बारे में कोई बात करना चाहते हैं, ना ही वो कुछ कर रहे हैं। वो जस्ट क्या कर रहे हैं कि वो अपनी फैमिली को जो इन चीज़ों से गुजर रही है उनको साथ लेके चल रहे हैं। सब फैमिली अब एक साथ दिखाई दे रही है और सब एक जो इंसान परेशान है, कीर्ति परेशान है, भम्मू परेशान है, पाई परेशान, ऑब्वियस सी बात है यार, सभी परेशान होंगे, तो उनको चीयर अप करने की कोशिश कर रही है फैमिली, घूमने जाने की सोच रही है फैमिली, सब कुछ कर रही है। लेकिन इसी बीच में क्या होता है, इसी बीच में ऐसा लग रहा था कि सब कुछ शांत हो जाएगा, ये मामला एटलीस्ट गंदगी की तरफ नहीं जाएगा। अब गंदगी को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मैं क्यों बोली गंदगी की तरफ। ये है कि जब जो कोई चीज़ें, कुछ चीज़ें गड़बड़ाती है ना, वो ख़त्म हो जाती है, वहीं पर कोई चीज़ें ख़त्म हो जाए तो वो ठीक है कि यहीं पर विराम लग गया। ऐसा लग रहा था कि ख़त्म हो गई है, अब बस फैमिली का ध्यान सिर्फ कीर्ति की तरफ है और वो इन चीज़ों को ठीक करने में लग रही है। लेकिन इस फैमिली का तो ध्यान कीर्ति की तरफ है, वो ठीक करने में लग रही है, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान, कुछ अलग लोगों का ध्यान उसकी तरफ नहीं था। वो ये चाहते हैं कि इन चीज़ों का इशू बना दिया जाए, वो ये चाहते हैं कि ये चीज़ें बढ़े और वो ये चाहते हैं कि लोग इसके बारे में बात करें। पब्लिक ने बात करना छोड़ दिया था, पब्लिक सिर्फ इतना बोलती थी जो होता है अच्छे के लिए होता है, ना तो मैंने कहीं देखा कि किसी की बुराई हो रही है या ना किसी की तारीफ हो रही है, ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, आगे फ्यूचर में बहुत अच्छा होगा, यही पब्लिक बोल रही थी, यही फैमिली बोल रही थी। कुछ गंदगी इस फैमिली ने उनके लिए नहीं बोली, ना कुछ चीज़ें आ रही थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था जब सामने वाले कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है या कुछ वो बोल रहे थे, चीज़ें यहीं ख़त्म हो जाएगी, इसलिए जो रिएक्शंस थे वो भी चुप थे, सब चुप थे। लेकिन यहाँ पर अचानक से क्या होता है, कीर्ति का जो कमेंट सेक्शन है ना इंस्टाग्राम का, उस पर कुछ ऐसे कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं जिन पर लोगों का ध्यान जाता है। इतना ही नहीं, कुछ लोगों के जो इंस्टाग्राम है उनके कमेंट सेक्शन, उनके मैसेंजर पर भी कुछ मैसेज आता है। अब मैं ये नहीं कह सकती कि वो लोग कौन है जिनके पास में ये मैसेज जा रहा है और उनके पास में मैसेज क्यों किए जा रहे हैं। अब कहा ये जा रहा है जो मैसेज किए गए हैं लोगों के पास में, मैं नहीं बता सकती कि वो लोग कौन है क्योंकि मुझे नहीं पता, मैंने जस्ट कमेंट सेक्शन देखा है उनका जिसमें ये चीज़ें हो रही हैं। आप चाहें तो उनके कमेंट सेक्शन को चेक कर सकते हैं जाके, बाकी मैं यहाँ पर सारे कमेंट्स भी आपको बताऊँगी कि उसमें वहाँ पर चीज़ें क्या हुई है। तो वहाँ पर जो सामने वाली साइड थी जिनसे अब रिश्ता ख़त्म हो चुका है, उन्हीं की एक फैमिली मेम्बर ने लोगों को, कुछ लोगों को ये मैसेज दिया है, या तो हो सकता है उन लोगों ने जाके कमेंट्स किए होंगे कि क्या हो रहा है, क्योंकि लोगों को बड़ी चुन मस्ती है कुछ को, या फिर ये भी हो सकता है कि उन लोगों, उनको ये एहसास हो कि यार ये तो बड़ा फेवर लेते हैं, इनको इनको सच्चाई बताओ जिससे कि ये हेट फैलाए। तो
क्या हुआ कि वहां पर कुछ कमेंट, कुछ चीजें की गई है ना, कुछ चीजें ऐसी बोली गई कीर्ति के बारे में, इनकी फैमिली के बारे में सब कुछ चीजें बोली गई। अब ये चीजें जब लोगों के कमेंट सेक्शन में हुई, लोगों के जो मैसेज में हुई, इसको किसी ने कीर्ति को स्क्रीनशॉट भेज दिए, लोगों ने स्क्रीनशॉट भेज दिए कि देखो आपके बारे में ये चीजें हो रही है, ये गंदगी हो रही है। वहां तो भेजे ही है, इतना ही नहीं इनके कमेंट सेक्शन में भी जो है कमेंट्स किया कि देखो आप तो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन आपके ससुराल से जो है, आप सभी जानते हो, मैं बता देती हूँ, यहाँ पे किसी ने कमेंट किया है, उसकी भाभी सबको मैसेज करके आपको डिफेम करने का ट्राई कर रही है, शेमलेस लोग हैं वो बहुत दीदी, यहाँ पर कमेंट किया है। इसका रिप्लाई कीर्ति ने दिया है। देखिए अगर सिर्फ ये कमेंट आता ना और कोई रिप्लाई ना होता तो ये चीज़ें बात करने लायक थी भी नहीं, लेकिन यहाँ पर कीर्ति ने रिप्लाई, क्योंकि भाई नहीं जानती कि कौन किस आईडी से क्या कमेंट कर रहा है, यहाँ पर कीर्ति ने रिप्लाई दिया है कि मेरे पास में 50 से ज़्यादा स्क्रीनशॉट आ चुके हैं इसी चीज़ से रिलेटेड, वो उनके घर की बहू है और वो तो उनको डिफेंड करेगी ही, आप प्लीज़ उनकी इंसल्ट ना करिए क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, और वो जो बोल रही है बेसलेस चीज़ें बोली है लखन के बारे में, मेरी मम्मी के बारे में, वो उनका क्लास शो करता है, मैं सब चीज़ें भूलना चाहती हूँ, वो जो करना चाहे वो कर सकती है, अपनी तरफ की बातें रख सकती है, आप लोग उनके लिए रेस्पेक्टफुल रहें, उन्हें गाली मत दें, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रखी है कि उन्होंने कि कुछ भी हो मैंने कभी उन्हें बहन की तरह माना है था, मैं ये सब चीज़ें नहीं करना चाहती, मुझे पता है जो चीज़ें हो रही है, यहाँ पर कीर्ति ने सब कुछ एक्सप्लेन किया है और ये भी कहा है कि प्लीज़ मुझे स्क्रीनशॉट ना भेजें, मैं ये चीज़ें नहीं देखना चाहती क्योंकि मैं इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहती हूँ, ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पर कीर्ति ने बोली। लेकिन फिर इन्होंने मैसेज किया उन्हीं को, कीर्ति को, जिन्होंने इनको बताया था, वो सबको बोल रही है कि उसकी फैमिली सोशल मीडिया पर मनी हेल्प करती है, यानी कि कीर्ति की फैमिली सोशल मीडिया पर पैसों की हेल्प करती है लोगों को, हाँ बहुत सारे ऐसे काम वो करती है बट रियल में नहीं। अच्छा, ऐसा लग रहा है उन्होंने आपकी फैमिली से मनी हेल्प मांगी एंड शायद आपकी फैमिली में उनको मनी हेल्प नहीं दी तो वो लोग सैड है, ऐसा कुछ हुआ है क्या? यहाँ पर फिर किसी ने कमेंट किया है लालची फैमिली है, यानी यहाँ पर जो कमेंट्स की बात हो रही है वो कमेंट लोगों की हो रही है आपस में। यहाँ पर फिर ये लिखते हैं, मुझे यही लगा क्योंकि सारे मैसेज में वो ये बोल रही है, अच्छा जो ये बातें बता रही है ना लड़की, इनके पास में बकायदा मैसेज आए हुए हैं और इन्होंने ही कीर्ति के पास में भेजे हैं मनी से रिलेटेड। कीर्ति दीदी इतना ज़्यादा रेस्पेक्टफुल थी पर ये फैमिली नाम नहीं लूंगी वाली बहुत ज़्यादा ड्रामेबाज है, कीर्ति दीदी के फॉलोवर्स लेकर ब्लूटिक लेकर न्यू इन्फ्लुएंसर बनने की शायद तैयारी कर रही हैं। फिर किसी ने इनकी भाभी का अकाउंट पूछा, फिर यहाँ पर कहते हैं जाने दो ब्रो, किसी ने यहाँ पर बहुत सारे समझदारी वाला कमेंट किया है जो कि मैं भी एक्चुअली एग्री करती हूँ, जाने दो ब्रो, गिव हर टाइम टू हील, इफ़ यू वॉन्ट जस्ट शेयर द शेयर विद लखन भैया, दे कैन टेक केयर, शी इज़ आउट ऑफ सम फैमिली टाइम, प्लीज़ लेट हर मूव ऑन, यू विल से समथिंग एंड यू विल रिमेंबर इट ऑल, शी विल रिमेंबर इट ऑल, इट जस्ट द टाइम वेयर वी नीड टू गिव देम सम स्पेस। एक्चुअली ये बहुत अच्छी बात की है इन्होंने, जिन्होंने भी की है कि इस तरीके के प्रूफ अगर आपके पास में भी आ रहे हैं, अगर की चीज़ें आ रही हैं तो मैं ये कहूँगी कि आप कीर्ति को देने के बजाय लखन को दे, जिससे कि वो अपने हिसाब से हैंडल कर पाए, कीर्ति को ये चीज़ें देके उनको और परेशान करने का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगी कि लड़की बच गई, ये चीज़ें हो रही हैं तो लड़की बच गई। यहाँ पर किसी शिखा नाम का कमेंट आता है जिनको बताया ये जा रहा है कि जो शिखा है ये उनके यहाँ पर काम करती है इन्फ्लुएंस, इन्होंने एक और कमेंट किया था जो कि इन्होंने डिलीट कर दिया, जिसमें इन्होंने कुछ लहंगे की बात की थी, कि प्रॉपर्टी की भी कुछ बात की थी कि प्रॉपर्टी आधी हिस्सा मांग रहे थे और पापा इनके शादी करने के लिए तैयार नहीं थे, सब चीज़ें भी कुछ बोली है, आई थिंक वो कुछ लोगों ने शेयर भी कर दिया है, आपने उनकी वीडियो देख ली भी होगी है ना, अर्थ मोम ने शेयर किया है वो, आप उनकी मोम वीडियो देख सकते हैं पूरी जो है, वो कमेंट अब इन्होंने डिलीट कर दिया। इनका कहना यह है कि इन्फ्लुएंसर वो बनती हैं जिन्हें ज़रूरत होती है, जिसका कि बहुत लोग बने हुए हैं, यानी कि कीर्ति की फैमिली रजे हुए लोगों को ये फ्री के पैसों की ज़रूरत नहीं होती, तो इनको गलत फहमी है, इन्फ्लुएंसर बहुत मेहनत करते हैं।
यहाँ पर फिर इनकी आपस में लड़ाई हुई और उन्होंने यही कहा कि लहंगे वाली बात बाहर कैसे आई, लहंगे वाली बात तो इनकी फैमिली की ही कर सकती है, तो बातें किसी की थी ही नहीं, किसी को पता ही नहीं थी। तो यानी कि कहीं ना कहीं सच्चाई ये हो रही है कि डिफेमिंग की कोशिश की जा रही है, इन चीज़ों को, जो चीज़ें दबने लगी थी इन चीज़ों को उभारने की कोशिश की जा रही है। किसकी तरफ से, आप समझ सकते हैं, दूसरे लोगों की तरफ से। और यहाँ पर कीर्ति इन चीज़ों को दबाने की कोशिश कर रही है कि मुझे नहीं जानना, तो हम उस चीज़ की रेस्पेक्ट करते हैं। और ये भी एक चीज़ वो है कि अगर आप लोगों के पास में इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं तो उसके जो प्रूफ है वो आप लखन को दें, जिससे कि वो अगर इस चीज़ के लिए एक्शन लेना चाहे, वो इन चीज़ों के लिए एक्शन लेना चाहे तो ले। बाकी लोगों को पता है कौन कैसा है कैसा नहीं है, ज़्यादा जज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, एक रिश्ता था वो ख़त्म हो चुका है, अब उसमें बार बार घुस के कि क्यों हुआ है क्यों नहीं हुआ है, ये बेकार है ये अच्छा है ये ऐसा है ये वैसा है, उन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। बस फ़ायदा इन चीज़ों का है कि एक रिश्ता था जो कि गलत था और वो टूट गया, बात ख़त्म यहाँ पर होती है। तो हम करते हैं यहीं पर वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बाकी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े जो चीज़ें हुई हैं आप सभी जानते हैं, बट प्लीज़ इस वक्त इस फैमिली को ना ही डिस्टर्ब किया जाए, और इस तरीके की चीज़ें हों तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये चीज़ें डिस्टर्ब करने वाली हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और इतने सारे कॉमेंट्स हैं ना, सारे मैं पढ़ भी नहीं सकती, लाइन का है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।